ये तीन प्रकार का भोजन जहर के समान होता है। ऐसा भोजन आयु को कम करके बीमारियां उत्पन्न करता है। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़देव को बताते हुए कहते हैं कि घर में दरिद्रता, गरीबी और बीमारियों का कारण ये तीन प्रकार का भोजन भी हो सकता है। नंबर तीन, लांगा हुआ भोजन। जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रख कर चला गया हो या उसे लांग कर चला गया हो तो ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। अगर मनुष्य ऐसे भोजन को करता है तो उसकी आयु कम होना तय है। नंबर दो, दूसरों को भरोसा हुआ भोजन। हम में से अधिकतर लोग मजाक में ही सही लेकिन अपने दोस्तों का या गरीबी लोगों का खाना छीन कर खा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना सरासर पाप माना जाता है। नंबर एक और सबसे ज्यादा विषैला, लेकिन इसको जानने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बाल निकला हुआ भोजन। जब भी हमारे भोजन में बाल निकलता है तो हम बाल को फेंक कर खाना खा लेते हैं, लेकिन ऐसा भोजन ना तो भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं और ना ही खुद ग्रहण करें, क्योंकि बाल निकला हुआ भोजन प्रेतों को प्राप्त होता है।